नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये एक Q&A वीडियो है। हमने अपने कमेंट सेक्शन से टॉप 10 क्वेश्चंस हैं वो पिकअप किए हैं एंड उन्हीं के जो है आंसर्स मैं आज पूरे वीडियो में देने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो में बने रहे क्योंकि क्या पता आपने अगर क्वेश्चन डाला है तो उसका आंसर भी आपको आज मिल जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हाउ टू एनरोल फॉर PhD। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली तो PhD के लिए मैंडेटरी जो होता है वो है मास्टर्स डिग्री वही सब्जेक्ट में जिसमें आप PhD करना चाहते हैं। सपोज आपको योगा में PhD करना है तो आपका योगा में ही मास्टर्स होना चाहिए, चाहे वो MA योगा हो चाहे वो MSc योगा हो। भी ये MA योगा या MSc योगा यानी कि मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में जब आते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं UGC नेट एग्ज़ाम एक्चुअली अपीयर करने में। तो सपोज आपने नेट एग्ज़ाम दिया। नेट एग्ज़ाम क्या होता है? नेट एग्ज़ाम एक्चुअली मैंडेटरी है अभी कोई भी PhD कॉलेज में एक्चुअली एडमिशन लेने के लिए। तो नेट एग्ज़ाम आपने दिया, नेट के साथ होता है JRF। JRF एक्चुअली है एक एडॉन, मतलब जो है बोल सकते हैं लेयर। सपोज आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आपको PhD करने के लिए आपके लिए जो है रास्ता खुल गया। अभी आपका JRF भी अगर क्लियर हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको एक स्टाइपेंड अमाउंट देती है जिससे आपका ऑलमोस्ट PhD का खर्चा जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो आपने सपोज नेट JRF क्लियर कर लिया, अभी आपको जो है यूनिवर्सिटीज ढूंढने हैं जहाँ पे योगा जो है डिपार्टमेंट है और वहाँ पे PhD इन योगा होता है। तो उन यूनिवर्सिटीज में एक्चुअली एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं इन द मंथ ऑफ अराउंड May-June। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम्स आपको जाके देने पड़ेंगे PhD के लिए। तो वो एग्ज़ाम सपोज आपने क्रैक कर लिया, आपका नेट JRF भी क्रैक हो गया तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एक्चुअली चांस मिल जाता है एडमिशन का। जो भी फीस है प्रोसीजर है वो करने के बाद आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है और फिर आप PhD जो है वो करने लगते हैं। तो वो PhD का प्रोसेस जो है वो अभी अगर मैं आपको बोलूँगी आफ्टर एनरोलमेंट वो बहुत आपको जो है क्लियर नहीं साउंड होगा, इसलिए इतना तक आई गेस आपका क्लियर है। तो यही एक्चुअली पूरा प्रोसीजर होता है PhD इन योगा में एडमिशन लेने का। सेकंड क्वेश्चन किसी ने पूछा है, आर ऑनलाइन योगा कोर्सेज वैलिड? यस वैलिड है, लेकिन इसमें नो भी है आंसर। मैं बताती हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। अभी इसी साल जो है UGC ने एक नोटिस एक्चुअली जारी किया है कि योगा में जो डिप्लोमा PG डिप्लोमा मास्टर्स बैचलर्स डिग्री लोग डिस्टेंस में कर लेते थे वो अभी नहीं कर सकते, उनको रेगुलर जो है कॉलेज में जाकर ही जो है क्लासेस करने पड़ेंगे। लेकिन ये तो एक पोर्शन ऑफ योगा कोर्सेज हो गया ना, दूसरा पोर्शन ऑफ योगा कोर्सेज क्या है? TTCs। तो TTC आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज आप ऑनलाइन कर सकते हैं और जैसे इग्नू से, ठीक है, इग्नू से जो है डिप्लोमा इन योगा जो है कर सकते हैं। PG डिप्लोमा इन योगा आई थिंक KK हैंडिक में है सिर्फ पूरे इंडिया में, और अभी कहीं पे भी नहीं है, वो भी बंद करने वाले हैं शायद नेक्स्ट जो उनका जो सेशन होगा उससे। तो दो सेक्शन ऑफ जो है कोर्सेज होता है, एक है कॉलेज में जाकर जो करने वाले कोर्सेज डिप्लोमा PG डिप्लोमा बैचलर्स मास्टर्स, दूसरा है आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज फाउंडेशनल कोर्सेज एंड TTCs। तो ये सारे कोर्सेज जो है आप कर सकते हैं ऑनलाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये देखना है कि जहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं वो एफिलिएटेड होना चाहिए फ्रॉम अ रजिस्टर्ड एक्चुअली योगा बोर्ड। थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हाउ टू गेट अ योगा सर्टिफिकेट? तो इस पर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं चैनल पे, आप थोड़ा सा करियर इन योगा प्लेलिस्ट हमारा देख लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से आंसर मिल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा जिस्ट में बता देती हूँ कि दो तरीके के एक्चुअली कोर्सेज होते हैं जो आप योगा में कर सकते हैं। एक है प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप जो है कॉलेज में जाके आपको करना पड़ता है, डिप्लोमा PG डिप्लोमा बैचलर्स मास्टर्स वगैरह। दूसरे होते हैं फाउंडेशन कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड TTCs। तो इनमें से कोई भी कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं, हर किसी का एलिजिबिलिटी अलग अलग होता है। आपको बस ध्यान देना है कि जहाँ से भी आप कोर्स कर रहे हैं वो एफिलिएटेड या रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए ऑथेंटिक योगा बोर्ड से। तो बस यही है प्रोसेस टू गेट अ योगा सर्टिफिकेट। फोर्थ क्वेश्चन किसी ने पूछा है, कैन वी डू PhD फ्रॉम डिस्टेंस? PhD कोर्स एक्चुअली डिस्टेंस, मतलब आई डोंट नो डिस्टेंस रेगुलर ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं आपको बताती हूँ PhD में क्या होता है। PhD में आपको रिसर्च करना होता है, ठीक है, तो वो
चाहे कॉलेज में रह के, कॉलेज के हॉस्टल में रह के आप रिसर्च वर्क करें या अपने घर से करें, वो आपके ऊपर है आप कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को। यस, रेगुलर कॉलेज में जाना ये मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी करता है। बहुत सारे गाइड्स जो है वो उनका कंडीशन ये भी होता है कि आपको डेली आना है। तो ये बोलना कि मैं डिस्टेंस से कर सकता हूँ, मैं रेगुलर कर सकता हूँ, ये बहुत ही गलत होगा। वो जो है खुद डिसाइड, मतलब आपका जो गाइड आपको मिलेगा वो एक्चुअली उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जो 99% केसेस में होता है कि लोग क्योंकि रिसर्च वर्क ही करते हैं, थीसिस वगैरह बनाना होता है, बहुत कुछ चीज़ें होता है पीएचडी में, तो वो लोग घर से ही कर सकते हैं गाइड के साथ जो है कोलैबोरेट करके, उनके साथ जो है कोऑर्डिनेट करके। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के ही करते हैं, ताकि उनके लिए थोड़े से ईजी पड़े और पीएचडी थोड़ा सा जो है जल्दी उनका ख़त्म हो। फिफ्थ क्वेश्चन किसी ने ये पूछा है, डिस्टेंस से पीजी डिप्लोमा या एमए बीए इन योगा करना क्या सही है? इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि अभी के लिए नहीं कर सकते, बिकॉज यूजीसी ने एक्चुअली ये जो है रद्द कर दिया है, बैन कर दिया है। पहले एक्चुअली होता था, तो अभी जो कोर्स चल रहा है बहुत लोगों को आप देखेंगे कि अभी तक और जो है कर रहे हैं डिस्टेंस में, उनका एक्चुअली सेशन पिछला सेशन ही होता है ना, इसीलिए अभी कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट सेशन है उससे आपको जो है डिस्टेंस मोड में ये सारे जो है कोर्सेज करने को नहीं मिलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन किसी ने ये पूछा है, प्रैक्टिकल पार्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करें? आई थिंक ये YCB के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं दो एग्जांपल आपको देती हूँ, दो ऑप्शंस एक्चुअली आपको देती हूँ। एक, मैंने जैसे रेडी किया, मैंने जैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, वो ये कि जो थियोरी है वो तो आप पढ़ेंगे, जो भी है प्रैक्टिकल में एक सिलेबस ही होता है उनका YCB का हर लेवल के लिए, उसको आप अच्छे से जो है प्रिपेयर करें। सेकेंड, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, सपोज हमारे कोचिंग में हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल एंड थियोरी दोनों अच्छे से प्रिपेयर करवा के देते हैं। तो अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो उस चीज़ का तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कोचिंग सेंटर जो है वो पूरा आपको प्रिपेयर करके ही देता है। लेकिन अगर खुद सेल्फ स्टडी करके कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रैक्टिकल के आसन्स पता होने चाहिए, उन आसन्स के बेनिफिट्स, कॉन्ट्रडिक्शंस, उसके पीछे का जो थ्योरी है वो पता होना जरूरी है। सेवेंथ क्वेश्चन किसी ने ये पूछा है, डिस्टेंस कोर्स करने से जॉब टाइम में दिक्कत नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस और रेगुलर जो है वो सिमिलर ही होता है उसका, एक्चुअली वो इक्विवेलेंट ही है उसका वेटेज, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे तो डिस्टेंस कोर्स अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे आप डिस्टेंस से करें या रेगुलर कॉलेज जाके करें। एट्थ क्वेश्चन किसी ने पूछा है, यूजीसी नेट का प्रिपेरेशन कैसे करें? सिलेबस है उसका, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है उसको आप अच्छे से पढ़िए। यूजीसी नेट का प्रिपेरेशन मैं थोड़ा लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूँ तो हलवा नहीं, तो उसके लिए आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जिस बुक में जो भी आपको टॉपिक मिले वो सब कुछ पढ़िए, तभी जाके नेट क्लियर होता है। मैंने एक साल जो है एकदम शिद्दत से पढ़ाई की थी, तब जाके नेट क्लियर हुआ था, JRF तब भी नहीं हुआ था। तो इस साल जब मैंने वापस से दिया तो ओब्वियसली इस साल का पेपर ही जो है रिस्कड्यूल हो गया, तो अभी देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन ये जो है ओब्वियसली एकदम से इसको लाइटली मत लीजिए, जो भी टॉपिक्स है जितने भी बुक्स से आप पढ़ सकते हैं ऑथेंटिक योगा बुक्स, उनसे जो है थोरली एकदम सारे टॉपिक्स को कवर करें। नाइन्थ क्वेश्चन किसी ने पूछा, यूनिवर्सिटी में योगा प्रोफेसर कैसे बने? प्रोसेस सिंपल है, आपको PhD करना है, PhD के लिए आपको नेट चाहिए होगा, तो नेट क्लियर करें, PhD अपना कंप्लीट करें, एंड देन वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है वहाँ जब वेकेंसी आएगा आप उसमें अप्लाई कीजिए, और जो है फिर वहाँ अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है वो बन गए। टेंथ, ये लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो इसमें किसी ने पूछा है, आई हैव नेवर ज्वाइन एनी TTC, वुड इट बी करेक्ट टू ज्वाइन ऑनलाइन, इज इट TTC और फाउंडेशन कोर्स? अच्छा, ये हमारे TTC के बारे में पूछा है। येस, आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस लिंक्ड बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सो येस इट इज कम्प्लीटली एक्चुअली ओके इन योर पार्ट एंड इन आवर पार्ट ऑल्सो इफ़ यू ज्वाइन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में आप हमारे पीछे के फीडबैक्स जो है स्टूडेंट्स के देख सकते हैं, कोई भी कसर हम नहीं छोड़ते। इसके अलावा जो है मैं आपको पर्सनली ट्रेन करती हूँ कि आपको अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, आपको क्लासेस कैसे लेनी है करेक्टली, ठीक है। वो सिलेबस 200 hours का वो तो पूरा होता ही है कवर, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर होती है। और नेक्स्ट में आपने कुछ पूछा था कि इज़ अ TTC और फाउंडेशन कोर्स, तो एक्चुअली इट इज़ अ TTC,
इंडियन योगा एसोसिएशन के लैंग्वेज में ये एक फाउंडेशन कोर्स वो बोलते हैं, लेकिन विच इज इक्विवेलेंट टू 200 आवर्स टीटीसी जो कि अभी मार्केट में जो है चलता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर जो है मैंने आपको अच्छे से दिए आई गेस। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट क्वेरीज क्वेश्चंस रह जाता है, आप जो है वीडियो का कमेंट सेक्शन यूज करें एंड कमेंट्स में जो है वापस से आप जो है अपने क्वेश्चंस पुट ऑन करें। हम नेक्स्ट मंथ भी एक और Q&A सेशन करेंगे और वहाँ जो है आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ या कुछ वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड, योगा फिलॉसफी रिलेटेड, आयुर्वेद रिलेटेड एंड मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप एक योगा टीचर हैं एंड यू रियली वांट टू एक्चुअली लर्न हाउ टू लर्न द योगा फ्लोज, आप मेरे सिस्टर निशिता का चैनल फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि आप हमारा ऑनलाइन TTC ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलेटेड हैं अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।